रेत उठाओ लेकिन पुल को मत ढाओ। जी हां, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की सीमा को व्यापारिक के साथ साथ आवागमन को सुचारू रूप से रखने वाले एकमात्र पुल जो कि चंबल नदी पर बना हुआ है। हाल ही में हुई इस पुल की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। पूर्व में भी अवैध एवं ओवरलोड रेत परिवहन के चलते यह पुल अस्थायी रूप से महीनों तक बंद कर दिया गया था, जिसके चलते शहर के व्यापारिक एवं भिंड बाया इटावा पर यात्रा करने वाले यात्रियों में एक वर्ष से अधिक समय तक परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद दोनों ही राज्यों के अधिकारियों की पहल पर इस पुल पर मेंटेनेंस कराया गया। तब कहीं जाकर पुनः यातायात को सुचारू रूप से कुछ शर्तों के आधार पर प्रारंभ किया गया, लेकिन आज हालात यह बन चुके हैं कि किसी व्यक्ति विशेष के व्यापार के चलते इस पुल को पुनः बंद किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुल पर इन दिनों भारी भरकम वाहनों का निकलना बड़ी तादाद में शुरू हो गया है और निवुआ की चौकी के पास खासकर चंबल पुल से महज 1-2 किलोमीटर पहले स्टॉप किया गया हजारों घन मीटर रेत शायद ही किसी अनुमति के चलते उठना शुरू हो गया हो। अब सवाल यह है कि क्या चंबल पुल पर आवागमन करने का अधिकार सिर्फ व्यापारी को है? अगर आपके पास वैध अनुमति ही है तो इस कार्य को सिस्टम से भी कर सकते हैं, यानी धीरे धीरे कर इस रेत को उठा सकते हैं। इतनी जल्दी भी क्या है कि दिन रात हजारों घन मीटर रेत को उठाया जा रहा है। जिले की आबादी इस समय लगभग 20 लाख के आसपास है। चंबल पुल के क्षतिग्रस्त होने पर प्रतिदिन भिंड से इटावा जाने वाले हजारों राहगीर परेशान हो जाएंगे और जिम्मेदारी फिर किसकी होगी? शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वह उक्त व्यापारी ठेकेदार को गाइडलाइन जारी कर यानी भिंड ग्वालियर इटावा हाईवे के दोनों तरफ लगाए जा रहे बड़ी संख्या में अवैध ट्रक डंपरों को खड़ा होने से रोके, साथ ही पुल की क्षमता के अनुसार अंडरलोड गाड़ियां निकलने की हिदायत दे उक्त ठेकेदार को, ताकि आगामी समय में पुनः पुल पर आवागमन महीनों तक बंद न हो सके। जानकारी के अनुसार बाजार में इस समय चर्चा जोरों पर है। यहां तक की चर्चा है कि प्राइवेट कंपनी पीएनसी सिर्फ पुल को रेत उठने तक ही मेंटेन कर रही है। यहां तक कि पुल पर रोजाना एसआई कंपनी कर रहा है कितनी नहीं देखनी चाहिए चंबल पुल पर। तभी जब भी आप चंबल पुल के आप लोग गुजरेंगे तो कोई ना कोई पुल पर झाड़ू लगाते मिल जाएगा। शहर में लगने वाली नुक्कड़ बैठकों में चाय की दुकानों पर आपसी बातचीत में लोग इसी मुद्दे को गर्म किए हुए हैं। हालांकि यह बात भी सही है कि रेत लेने के लिए आ रहे वाहनों से पीएनसी कंपनी को टोल के जरिए भारी मुनाफा इस समय हो रहा है, लेकिन लोगों की अपील है, लोगों का यहां तक कहना है ठेकेदार के द्वारा, रेत तो उठा लो लेकिन पुल को मत ढाओ। देखिए खास रिपोर्ट।